हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक पेपर फर्स्ट है ये, यूके ट्रिपलशिप का जो पेपर आता है सेम पैटर्न पैटर्न पे। इसमें आपके 20 हिंदी के क्वेश्चन होंगे, 40 जीके के और 40 उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक, इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और आप कमेंट जरूर करके बताएगी आपको ये मॉक पेपर, आपने मॉक पेपर के क्या कोई भी आंसर क्या कर सकते हो, कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस की से हम पढ़ना है हमसे, तो हम श्रीनगर गढ़वाल में हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। उसकी जो डिटेल है, आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वगैरह, वो आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिनवा मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे ऑफलाइन बैचेस के लिए। तो शुरू करते हैं आज का जो मॉडल पेपर है, 100 नंबर का ये मॉडल पेपर है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी और टर्किश? कोई नहीं, मैं आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा सोचने के लिए। तो ये आपका फारसी। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, वो है आपका शुद्धवर्तनी है, 1 2 3 4, इन चारों में शुद्धवर्तनी कौन सी है? तो इसमें आपने छांट लिया दूसरे में शुद्धवर्तनी, तो इसका जो आंसर है वो दूसरे नंबर का है, संश्लिष्ट। ठीक है, बाकी ये सारे अशुद्ध हैं। तीसरा है, कारक के भेद होते हैं 5 6 7 8, कारक के कितने भेद होते हैं? काफी आसान क्वेश्चन है ये व्याकरण का। कारक के भेद होते हैं आपके कितने? 8। चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से अर्क का पर्यायवाची, अर्क किसका पर्यायवाची? चंद्र, सूरज, सागर या पर्वत? अर्क, तो ये पर्यायवाची आपका किसका? सूर्य का। ठीक है, यह अगला क्वेश्चन है, यह विचार मेरे मन में आया, यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इसमें क्रिया विशेषण बताइए। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इसमें क्रिया विशेषण बताइए। इस वाक्य में विचार अचानक मेरे मन में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो क्रिया विशेषण हो, क्या अचानक क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की क्या बताता है? विशेषता। तो इसमें से क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है आपका? अचानक। विपात्र के लेखक हैं रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर या गजानन माधव मुक्ति बोध? तो इसके जो लेखक हैं ये हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। इस पर संघर्षी व्यंजन है क, ख, स, य, च। इस पर संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं? चौवर्ग। चौवर्ग आपका क्या होता है? इस पर संघर्षी व्यंजन, चौ, इसमें चौवर्ग का शब्द कौन सा है आपका? चौ। आठवां क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, मैं सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? निजीवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक? कोई आ रहा है, इसमें जो सर्वनाम होगा वो अनिश्चयवाचक होगा। सर्वनाम कौन सा होगा इसमें? अनिश्चयवाचक। यथेष्ट में संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वर्ण संधि? यथेष्ट, तो यह गुण संधि, यथा धन इष्ट, यथेष्ट। ठीक है, आई हो जाता है इसमें। अगला है, सॉरी ये गुण संधि आई नहीं होगा इसमें। ए होगा इसमें, यथा धन ईष्ट, यथेष्ट। फिर 10वां क्वेश्चन है आपका, अस्तबल की बला बंदर के सर, लोकेति का अर्थ है गलती करके रौब जमाना, किसी दोस्त किसी का दोस्त किसी के सर पे मरना, बेकार वस्तु दूसरे के माथे मरना, कहा जाए कुछ समझा जाए कुछ? इसका जो सही आंसर है, किसी का दोस्त किसी और के सर मरना, किसी का दोस्त किसी और के सर में। दोस्तों, मैंने संधि आपके आप ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल पर पढ़ा रखी, तो आप वहाँ से इस संधि वाले टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। नीलमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ये इमा है वैसे, ठमा नहीं है, इमा, इमा, लिमा, नीयमा, नीलमा में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रयुक्त प्रत्यय है, जिसका सही आंसर होगा पहला वाला, इमा। बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली किस उपभाषा की बोली है?
पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी? तो बघेली बोली जाती है आपके कहाँ पे? पूर्वी हिंदी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश साइड बोली जाती है बघेली, ठीक है, पूर्वी हिंदी होगी। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित विधा है, यह सबसे प्रचलित शैली है, वस्तुनिष्ठ शैली, वर्णनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली और चौथा सूचनात्मक शैली। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। निम्न में तत्सम शब्द है, खेत, दाहिना, आज्ञा या किसान? तत्सम जो संस्कृत में भी वैसे यूज है जैसे हिंदी में होते हैं, खेत। अच कचाया का अर्थ है नाराज होना, चौंक जाना या खा जाना। अच कचाया का अर्थ है, तो ये है आपका सेकंड वाला, चौंक जाना। हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो के बाद, रो के बाद, हो के बाद या छ के बाद? त्र किसके बाद आता है? अक्ष के बाद, हो के बाद, रो के बाद या तो के बाद? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तो के बाद आता है आपका हिंदी में त्र। अक्ष के बाद आप मत लिखना, ठीक है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? 1976, 1975, 1975, 1978। तो ये हुआ था आपका मॉरिशस में, ठीक है। द्वितीय हिंदी सम्मेलन आपका होता 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्य पर विचार करते हुए संचित विवरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका ये? प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पद के अनुसार उनकी राय का विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्य पर विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यवृत्त या इसमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा था आपका कार्यवृत्त। ठीक है, तो जो ये दूसरे ऊपर वाला क्वेश्चन है त्र वाला, कि आपको अगर इसको समझ में आए एक बार और देख लो, ये तो कैसे होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कौन से वाले, हिंदी वाले चैप्टर में, जो हिंदी वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें आपने देखना, पहला ही आपका ये लेक्चर होगा। तो त्र किससे मिलकर बनाता है? तो र इससे मिलकर बना होता है। तो ये तो के बाद क्या आता है, जो मिलके बनते हैं, क्या बनता है? त्र बनता है, इसलिए किसके बाद आया हुआ मानते हैं? तुम्हारा तो के बाद, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन था, 19, अनुभवी में विशेष्य है, अनु, अनुभव, अनुभवी, अनु, अनु, अनुभव, अनुभाव्य, अनुभ। इसमें जो विशेष्य है आपका वो अनुभव। निम्न में कर्मधारय समास नहीं है, काफी सरल क्वेश्चन है। महापुरुष, महादेव, चरण कमल, प्रतिदिन। कर्मधारय समास नहीं है, तो ये आपका है चौथा वाला। प्रतिदिन क्या है आपका? कर्मधारय समास नहीं है। अब आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब जो सीक्वेंस से क्वेश्चन आएंगे वो उत्तराखंड जीके और जो दूसरा वाला जीके होता है, ठीक है, 40-40 नंबर के उत्तराखंड और जीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो जो पहला 21st क्वेश्चन है वो आपका किसका बंदोबस्त, 80 साल बंदोबस्त कहलाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकेट, बर्ड, ट्रेल या थॉम्पसन? ये आपका कहलाता है ट्रेल का। ये हुआ था आपका 80 साल बंदोबस्त 1823 में, ठीक है, ट्रेल के कार्यकाल में होता है 80 साल बंदोबस्त। बेकेट ने कौन सा बंदोबस्त किया था? वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त किया था वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त। विधायी विषयों की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो ये ली कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन। और अब अमेरिका से क्या लिया? मौलिक अधिकार, ठीक है। आटागाट सहायक नदी है, पिंडर की, अलकनंदा की, यमुना की या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको इसका वीडियो मिल जाएगी, नदी सिस्टम, नदी सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट हमारी क्या होगी चैनल पे होगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं नदी वाले को। तो ये आटागाट सहायक नदी है किसकी? पिंडर की। तो पिंडर में कहाँ पर मिलती है आटागाट? सिमली नामक जगह पर, सिमली में मिलती है आपकी कौन? आटागाट की, इसमें पिंडर में, और पिंडारी ग्लेशियर से आती का पिंडर नदी, आटागाढ़ नदी आती दूधातोली श्रेणी से।
निम्न में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक फोरम, या विश्व बैंक? वर्ल्ड बैंक करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है। देवी दुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियां की खोज का श्रेय जाता है कनिंघम को, ट्रेल को, शिवप्रसाद डबराल को, या हेनूट को? कनिंघम, ट्रेल, शिवप्रसाद डबराल, या हेनूट? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हेनूट को जाता है देवी दुरा में पाषाण कालीन मानव समाधियां खोजने का श्रेय। रीजनिंग का क्वेश्चन है, एम का अर्थ है प्लस, एन का अर्थ है माइनस, और पी का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जो ये नीचे लिखा हुआ लाइन, इसका जो टोटल होगा कितना होगा, इसको सॉल्व करते हैं सरल है। 15 n, n का अर्थ है माइनस 10, p का अर्थ है इंटू 3, m का अर्थ है प्लस 5, p का अर्थ क्या है इंटू 4। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये माइनस 15 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 5 आया इसका आंसर। कौन सा? ये सेकेंड वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है? इस ये भी मैंने पढ़ा रखा आपको, किसमें? उत्तराखंड के तालो झीलों में। काफी आसान से क्वेश्चन है, पिछले ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ रखा है क्वेश्चन। मासर ताल, यम ताल, सिद्धल, या नरसिंह ताल? तो ये होता है आपका कौन सा, मासर ताल, या वह टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, 10 नवंबर 1921 को मंगलवार था, तो 11 नवंबर 1581 को कौन सा दिन था? मंगलवार, बुधवार, शनिवार, और शुक्रवार? 28 का जो आंसर होगा क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये हो जाएगा इसका आंसर आपका कौन सा, बुधवार। तीसरा, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? आर के धर, एस के शर्मा, अरस्टोलिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है आर के धर। साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी जी का जन्म किस जनपद में हुआ? ये हुआ था इनका जन्म अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जनपद में होता है इनका जन्म, शैलेश मटियानी जी का। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? ये वर्ग छाड़ने का काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको छाड़ने का तरीका, देखो 1 2 3 4, इस साइड भी 4 है, लाइन भी 4 है, कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, 4 कॉलम है, 4 लाइन है, तो इसको कैसे यूज कर सकते? देखो 1 2 3 4, ये टक्कर देना, सबके स्क्वायर लिख देना, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, और इन सबको जोड़ देना, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, 1 4 9 6 4 हो गया 30, तो इतने स्क्वायर हो जाएंगे। ये कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 4। इसको अच्छी ट्रिक है ये वाली, सबसे इजी ट्रिक यही है इसकी गिनने की। यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल कब किया? 2004, 2005, 2006, 2007? काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये होता है आपका 2005। न्योली है वनगी साजे संगीत वाद्य यंत्र, ये पहले या दूसरा? न्योली, काफी अच्छा क्वेश्चन है उत्तराखंड ज्योग्राफी का। ठीक है, तो न्योली क्या है आपका, वैसे वन गीत भी है और वाद्य यंत्र भी है, इसमें ऑप्शन होना था 1 और 3। ऑप्शन क्या होना था आपका इसमें, 1 और 3। श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 1 1 4 8 9 27, इसमें अगला जो पद आएगा वो कौन सा है? देखो पहले श्रेणी को पहचानते, इसमें बोल क्या रहे, ये आपका 1 का स्क्वायर, ये 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, ये आपका 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 होते हैं, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 होता है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16,
ये है सीरीज का अगला 16 बज गया है। उत्तराखंड राज्य विकास एवं प्रौद्योगिकी परिषद की गठन कब किया गया? 2004, 2005, 2003 और बीच में से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, 2005 में किया गया। संविधान सभा की बैठक कब हुई? पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग कब हुई संविधान सभा की? ये आपका पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा। तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। माप तौल की धूलि पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? धूलि पाथा पर्थ चलाने से जाता है आपका अजय पाल को। ठीक है, तो कनक पाल कौन था? कनक पाल था कौन? परमार वंश का संस्थापक अजय पाल था। इनका सबसे पराक्रमी राजा जिसने गढ़वाल के क्या 52 गढ़ों को क्या कर दिया था? एकीकरण करके गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना की। और ये इनका 37वां राजा था अजय पाल। इसने कौन सी प्रथा चलाई थी? इसने चलाई थी धूलि पाथा प्रथा। निम्न में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का माना जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रेसाइट। माना क्या जाता है? होते हैं। कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ होता है निम्न में से? इसका आंसर है चौथा, एंथ्रासाइट कोयला। क्या होते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का। किस वर्ष उत्तराखंड में जैविक कृषि अधिनियम पारित किया गया? 2018, 2019, 2020, 2021। जैविक कृषि अधिनियम उत्तराखंड में 2019 में पारित किया गया। निम्न में से वास्तविक निवेश है, ये अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमी का। शेयर खरीदना यानी कि शेयर में पैसे लगाना, वास्तविक निवेश रियल इन्वेस्टमेंट क्या? भवनों का निर्माण करना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, या बैंक में खाता खोलना, बैंक में जमा खाता खोलना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, भवनों का निर्माण। वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने डिजाइन किया था? एंटनी मैकडोनेल, ब्लोमफील्ड, रास्केल या चेपमैन। ये किया था बी, सीजी ब्लोमफील्ड ने FRI का डिजाइन। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO किस संगठन का उत्तराधिकारी है? मानी कि WTO का पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हो कौन था? पहले कौन था जिससे WTO बने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। तो ये था आपका जो पहले वाला है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये क्या कह रहा था? गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का उत्तराधिकारी संगठन आपका कौन सा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 43। उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा 108 शुरू की गई थी 2007, 2008, 2009, 2010। तो ये की थी आपकी 2008 में शुरू, भुवन चंद खंडूड़ी जी ने, उस टाइम मुख्यमंत्री जो खंडूड़ी जी, उस टाइम शुरू हुई थी ये 2008 में। अगला है IPL 2021 की खिताब जीते है। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी लोग इसे तो आंख बंद के टिक कर देंगे। ये जीता था चेन्नई सुपर किंग ने, किसको हराया था? KKR को हराया था। डचों ने बंगाल में अपनी पहले केंद्र की स्थापना की, बंगाल में ध्यान से, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की? कलकत्ता, बालासोर, श्रीरामपुर या चिंसुरा। तो ये की थी इन्होंने कहाँ पे? चिंसुरा में। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी परमार वंश की, पाल वंश की, चंद वंश की, कत्यूरी वंश की? अस्कोट पिथौरागढ़, ये राजधानी थी किसकी? ये राजधानी थी आपकी सेकंड पाल वंश की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाल वंश। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां के बाएं 13वां अक्षर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से 25 पे वाई, और इसके भी क्या लेफ्ट कितना है? 13। कौन सा अक्षर आएगा? तो इसमें से इसको घटा दो कितना आता है? 12। 12 पे कौन सा अक्षर आता है? मुंडा व शबर नाम से जानी जाने वाली जाति कौन सी है? मुंडा व शबर पे जानी जाने वाली जाति कौन सी आपकी? कोल। कोल को क्या कहते हैं? मुंडा या शबर। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल। जल्दी से आप इसका आंसर करो, उसके बाद मैं बताता हूँ।
इसका आंसर है आपका दादा भाई नेहरू जी। किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की? टीरी रियासत का कौन सा राजा है वो? कीर्ति शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह, नरेन शाह। किस राजा ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की? ये की थी आपकी प्रताप शाह ने, जब इसने एक मिडिल स्कूल खोला था अंग्रेजी में, जिसको बाद में कीर्ति शाह ने क्या कर दिया था, हाई स्कूल कर दिया था, और नरेन शाह ने इसको इंटर कॉलेज कर दिया था। ठीक है, प्रताप शाह ने खोला था पहला अंग्रेजी स्कूल। निम्न में से कौन सा औषधि शैल है? अभ्रक, ग्रेनाइट, नाई से बलुआ पत्थर। तो ये आपका कौन सा, बलुआ पत्थर। दुग्ध ताल स्थित है चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में देख लेना आप, ज्योग्राफी वाले की ताल वाले वीडियो में उत्तराखंड झीलम ताल, उसमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ताल और झील वाले दो क्वेश्चन देखा आपने इसमें आ चुके हैं। तो ये आपका किसमें, पौड़ी में। पश्चिमी तटीय मैदान गोवा, पश्चिमी तटीय जो मैदान है, पश्चिमी तट है जो भारत का, गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? गोवा से लेकर केरल तक का जो भाग है तटीय, जो समुद्र से लगा हुआ, किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो इसका जो सही आंसर है, मालाबार के नाम से जाना जाता है। अंगाली मठ स्थित है, टीरी, पौड़ी, चंपावत, चमोली। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अंगाली मठ स्थित है, टीरी, पौड़ी, चंपावत या चमोली। ये है आपका टिहरी गढ़वाल में, अंगाली मठ कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल में। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है, न्यायिक पुनरावलोकन राष्ट्रपति को संवैधानिक विषय में परामर्श देने के लिए, दूसरा कानून का शासन सुरक्षित रखने के लिए, न्यायिक पालिका के संगठन का पुनर्विचार करने के लिए, या आखिरी संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए। तो न्यायिक प्रणाली से संबंधित आपको फोर्थ नंबर से, संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करने के आधार में। उत्तराखंड हिल स्टोर की स्थापना की गई 1973, 1967, 1979 या 1976, उत्तराखंड हिल स्टोर की स्थापना ये की थी आपने 1973 में। निम्न में भू आबद पतन है, यानी कि भू आबद जो बंदरगाह हो कौन सा, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई। इंडियन ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपका विशाखापट्टनम। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बना है? जो जौनसार का हनोल मंदिर है आपका, हनोल में महासू देवता का जो मंदिर है, वो किस वास्तुशैली से बना है? महिष वास्तुशैली, हूण वास्तुशैली, पगोड़ा वास्तुशैली या नागर वास्तुशैली। तो ये आपका बना है किस नाग वास्तुशैली से, हूण यानी कि तिब्बती वास्तुशैली से। एक श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई मोदी जी के द्वारा की गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान से, 2014, 2015, 2016, 2017। ये की थी 2015 में। एक स्टेप स्टेप फॉन्ट बढ़ाने की शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन नहीं दे रखे, मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूँ सीधे। ठीक है, इसका जो आंसर होता है एक स्टेप फॉन्ट बढ़ाने का, वो होता है कंट्रोल प्लस ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट। राजे जनजाति का निवास स्थान क्या लाते हैं? पाणा, रोहतड़ा, रोम्बा या मुंडा है कौन सा? ये आपका जनजाति से रिलेटेड है, ये टॉपिक मैंने कवर कर रखा है उत्तराखंड ज्योग्राफी में, इसकी अलग प्लेलिस्ट भी होगी उत्तराखंड जनजाति, उसमें आप पूरी जनजाति को देख सकते हैं। तो ये है रौतुड़ा। रोम्बा क्या है? रोम्बा जाड़ भोटियाओं की क्या कहलाती है, भाषा। मुंडा या गुंसा क्या है? ये आपके भोटियाओं का शीतकालीन अवकाश, विंटर हाउस, जो घर में सर्दियों में रहते हो नीचे। ठीक है, ट्रैक वॉल और टच वॉल रूपांतरित है, इसका ट्रैक वॉल और टच वॉल किससे संबंधित है? जीपीएस से, माउस से, टीएफटी से, कीबोर्ड से। कंप्यूटर का अच्छा क्वेश्चन है, तुमने देखा ट्रैक बोर्ड किसके नीचे लगी होती है? ट्रैक वॉल, माउस के नीचे गोल गोल बॉल लगी रहती है। ठीक है, ट्रैक बॉल, टच वॉल किस पे लगा रहता है? लैपटॉप। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सीधी होती है, यानी ऐसे सीधी कितने दिन, कितने टाइम होती है एक दिन में? 24 घंटे, 44, 22, 34, 48। रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो
12 घंटे में घड़ी जो सीधी खड़ी होती है सी, वो होती है आपकी कितनी बार? 22 बार। 24 घंटे में कितनी हो जाएगी आपकी? 44 बार। तो इसका सही आंसर है 44। तो उस मेला किस जनपद में लगता है? तो उस मेला किस जनपद में लगता है? ये मैंने आपको कवर करा है, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। तो उस मेले लगता है आपका किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद। इसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में। गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1915, 1914, 1984, 1902। ये मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका में की थी उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में। ठीक है, 1915 उन्हें उपाधि मिली थी केसरे हिंद की वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। 1914 उन्होंने क्या किया था? एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी लंदन में, एम्बुलेंस कोर, जो क्या करती थी? वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल सैनिकों का इलाज करती थी। इसी के लिए इनको क्या मिला था 1915 में? केसरे हिंद की उपाधि। 1902 में इन्होंने क्या करें, एक पत्र निकाला, कौन? ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, किस नाम से? इंडियन ओपिनियन नाम से पत्र निकाला। अमन सभा की स्थापना की गई, अमन सभा की स्थापना की गई 1916, 1904, 1930 या 1901? अमन सभा की स्थापना की जाती है 1930 में। 1901 में किसकी स्थापना हुई? गढ़वाल यूनियन। 1916 में स्थापना होती है आपकी कुमाऊं परिषद की, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है आपकी? 1916 में। और 1904 में किसकी स्थापना होती? शरोला सभा, तारादत्त केरल के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा अमन सभा का, वो 1930 है। अगला क्वेश्चन है 68 वाला। दूध गंगा तथा मेदे गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? नदी वाले तंत्र से एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ गया है। दूध गंगा तथा मेदे गंगा ये हैं आपकी किसकी? विलंगना, भागीरथी, काली, अलकनंदा। तो ये हैं विलंगना की। संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई 11 जनवरी 1952, 11 जून 1952, 31 दिसंबर 1954 या 24 अक्टूबर 1945? तो संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की 11 जनवरी 1952, 24 अक्टूबर को ये क्या यूनाइटेड नेशन क्या बना था 1945। भारत के एकमात्र क्रेटर झील है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, क्रेटर झील वो झील थी जो किससे बनी होती? मैग्मा फटने से, यानी कि लावा ज्वालामुखी फटने से बनती है। ठीक है, ज्वालामुखी फटने से झील बनती है, क्रेटर झील होती है, ये आपके महाराष्ट्र में। भारत में सिर्फ कहाँ है? महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल, कंप्यूटर क्वेश्चन, अच्छा, विभिन्न होस्ट को ईमेल सुविधा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? FTP, FTP, SNMP, टेलनेट या SMTP? तो ये जो होस्ट करता है ईमेल को प्रदान करता है, होस्ट होता है SMTP करता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड ज्योग्राफी से, होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? एटकिंसन, ओकले, वॉल्टन या शेखर पाठक? होली हिमालय इसके जो लेखक हैं वो ई शेरमैन ओकले। होली हिमालय के लेखक कौन है? ओकले। टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1 अगस्त 1949 को, 28 अप्रैल 1947 को, 23 जनवरी 1949 को या 30 मई 1930 को? तो ये किया गया था आपका कब? 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम लागू। 30 मई 1930 को क्या होता है? तिलाड़ी रवाई कांड, जिसमें जनरल जो चक्रधर जुयाल ने क्या कर दी थी? गोली चला दी थी तिलाड़ी रवाई में। तिलाड़ी रवाई कांड का होता है 30 मई, तो इसलिए चक्रधर जुयाल को क्या करते हैं? उत्तराखंड का जनरल डायर। 1 अगस्त को टिहरी रियासत का विलयीकरण हो गया था भारत संघ में। 5 दोस्त, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। PQRST उत्तर की ओर मुंह करा हुआ, नॉर्थ साइड इन्होंने अपना क्या फेस करा हुआ है, एक पंक्ति में बैठे हैं। ST एवं Q के बीच में से एक एवं QR के तुरंत बाई ओर है, QR के तुरंत बाई ओर है, ST एवं Q के बीच में एक और है। ठीक है, और QR क्या है? QR से तुरंत बाई है, PT के एकदम बाएं कौन है? तो इसका आंसर है आपका, सॉल्व करके देख लेना, S। ऐसे आ गया इसका आंसर। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसका सॉल्यूशन देने में। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर 1912 में लिखा गया है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर।
इसके ही लेखक हैं एटकिंसन वॉल्टन, ये वॉल्टन है ठीक है, प्रकाश थपलियाल ओकले, ब्रिटिश गजेटियर, तो इसके हैं वॉल्टन, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर के लेखक कौन है, वॉल्टन, ये बॉल्टन नहीं है, वॉल्टन है ठीक है। दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, रूसो या जेएस मिल, दास कैपिटल, तो इसको लिखा एक बार कार्ल मार्क्स। लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य का भ्रंश कहलाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के मध्य का भ्रंश कहलाता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, दूसरा है हिमालय अग्र भ्रंश, तीसरा मुख्य सीमा भ्रंश, चौथा है तटीय सागर। जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश उसे क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रेश भी कहते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट इसे कहते हैं, ये मुख्य सीमा प्रांत को, सॉरी मुख्य केंद्रीय प्रांत को कहते हैं आप MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मुख्य सीमा प्रांत मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और ये 33 थ्रस्ट या आपका सच्चर जोन, तो इन चारों में से कौन है जो लोग हिमालय से वाले हिमालय के बीच होता है, वो आपका MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। MCT किस किसके बीच होता है, ये मध्य सॉरी वृहत हिमालय और लोग हिमालय के बीच, ग्रेटर हिमालय में लेसर हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट किसके बीच होता है, शिवालिक और भाबर के बीच ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा प्रांत MBT। ये अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला 78। भारतीय संविधान के निम्न में से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है, निम्न में से किन तीन अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अनुच्छेद 11 12 14, अनुच्छेद 14 19 21, अनुच्छेद 16 17 18, अनुच्छेद 19 18 20, तो ये कहा जाता है 14 19 21 को। देखो 14 अनुच्छेद 14 किसका है, ये आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 किसका है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 किसका है राइट टू लिबर्टी का, तो इन तीनों को क्या कहा जाता है स्वर्ण त्रिभुज, इन तीनों अनुच्छेदों ठीक है मूल अधिकार में। कुमाऊं परिषद के अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कुली व्यवहार को पूर्ण तरीके से खत्म करने का निर्णय लिया गया, तो ये कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन था, ये था 1920 में जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में लिया था, तो ये कौन सा था उनका चौथा, चौथा अधिवेशन था ठीक है कुमाऊं परिषद का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को निम्न में से काल क्रमानुसार का, यानी कि पहले कौन हो, इसके बाद कौन हो, इसके बाद कौन हो, इसके बाद कौन हो, क्रिप्स मिशन, मंत्रिमंडल मिशन, बेबल योजना, अंतरिम सरकार, इसको क्या क्रम वाइज होना, तो देखो क्रिप्स मिशन कब आया था 1942, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार 1946, बेबल योजना 1945। अब देखो इसका कालक्रम क्या होगा, सबसे पहले क्रिप्स मिशन यानी कि फर्स्ट, फिर इसके बाद कौन है बेबल योजना यानी कि थर्ड, फिर इसके बाद मंत्रिमंडल मिशन, ये इसके बाद कौन आएगा 1946 वाली थी, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, तो ये वाला। अगला क्वेश्चन है तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई, ये आपने कमिश्नर रैमजी ने करी थी, जो यहाँ के कुमाऊं कमिश्नर थे उस टाइम रैमजी ने, तो ये कब की थी 1870 1880 1883 1881, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना करी थी कमिश्नर ट्रेल ने, सॉरी कमिश्नर रैमजे ने 1880 में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री से है, सारनाथ में, गया में, राजगृह में, उज्जैन में, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था आपका सारनाथ में। निम्न का मिलान कीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्न का मिलान कीजिए, चंद वंशों से रिलेटेड कौन सा किला किसने बताया, पहला आपका राजभुंगा का किला, फिर है लाल मंडी का किला, फिर खगमरा कोट का किला, फिर पल्ला में, तो राजभुंगा का किला बनाया है किसने सोमचंद ने, लाल मंडी का किला बनाया किसने, लाल मंडी का किला आपका बनाया बालो कल्याण चंद, मल्ला महल रुद्रचंद ने, खगमरा कोट का किला भीष्मचंद ने ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सही क्रम हो जाएगा इसका, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, यानी कि ये वाला राजभुंगा सोमचंद, लाल मंडी किला बालो कल्याण चंद, खगमरा कोट भीष्मचंद, मल्ला महल रुद्रचंद।
अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत सरणी है, कौन सी माउंटेन रेंज विश्व में सबसे लंबी है? हिमालयन, आल्पस, एंडीज या रॉकीज? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा? एंडीज पर्वत सरणी, एंडीज माउंटेन क्या है सबसे लंबे, सबसे ऊंचे कौन है? हिमालय माउंटेन। चंदों में टांड कर किससे वसूला जाता है? बुनकरों से, सुनारों से, लोहारों से या राजगीरों से? टांड कर वसूला जाता था चंदों में, तो ये वसूला जाता था किस पे? बुनकरों पे। बुनकरों पे कौन सा कर लगता था? टांड कर। कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक नियुक्त किया गया, अजब थापा को, अमर थापा को, ऋतुधर थापा को या जोगा मल शाह को? कुमाऊं प्रथम गोरखा प्रशासक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका आंसर होगा जोगामल। भारत में सबसे पुरानी पर्वत सरणी, ये उसमें पहले टिक लग गया, ये अरावली पर्वत सरणी, ठीक है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत सरणी कौन सी है? अरावली पर्वत सरणी। टिहरी रियासत के महाराजा प्रताप शाह के बाद शासन करने की बागडोर किसके हाथ में आ गई थी? तो देखो, टिहरी रियासत में क्या हुआ था, प्रताप शाह के बाद उनका बेटा क्या बनता, राजा बनता, कीर्ति शाह। लेकिन कीर्ति शाह क्या रहता है, अवयस्क रहते हैं, जो बहुत छोटा रहता है, 12-13 साल का। तो उसका संरक्षिका कौन बनती है? वो बनती है महारानी गुलेरिया। महारानी गुलेरिया के हाथ में आ जाता है कौन सा शासन? ये इंदुमती है, ठीक है, इंदुमती नहीं, तो महारानी गुलेरिया के हाथ में आ जाता है शासन। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? सबसे छोटे अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 29, 10 हो गई ये। और इनको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 12.9, ठीक है, सॉल्व कर देना। निम्न विकल्पों में बगड़वाल नृत्य किया जाता है, माणा घाटी में, नीति घाटी में, दून घाटी में, गुंजी घाटी में? बगड़वाल नृत्य, तो ये होता है आपका नीति घाटी में। एमएस एक्सेल में चयनित पंक्ति को छिपाने की शॉर्टकट की है, यानी कि जो आपने सेलेक्ट लाइन की हुई उसको हाइड करने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? Ctrl+5, Ctrl+9, Ctrl+8 या Ctrl+6? अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है कंप्यूटर का, ये की हर बार पूछी जाती है, Ctrl+9 इसकी क्या शॉर्टकट की, हाइड करने के लिए। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भाग प्राचीन काल में कहलाता था, काली कुमाऊं, सीरा, डोटी या थल? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भाग पिथौरागढ़ का क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका सीरा। थल कहाँ है? ये भी उत्तर पिथौरागढ़ में। डोटी कहाँ? ये नेपाल है। काली कुमाऊं वाला क्षेत्र कौन है? चंपावत वाला क्षेत्र को कहते थे काली कुमाऊं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सीरा, सेकंड वाला, ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महाधीशों के कार्यकाल होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ये यूएन का ही पार्ट है, ठीक है, जेनेवा में है। इसमें टोटल क्या होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। कार्यकाल कहाँ होते हैं? 9 साल का। एक का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का, एक बंदे का, एक महान्यायाधीश का। बेलछेड़ा जलप्रपात है, देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली? बेलछेड़ा जलप्रपात, ये आपका पिथौरागढ़ में। सनत के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया था, राजश्री ने, भास्कर वर्मा ने, प्रभाकर वर्मा ने, हर्षवर्धन ने? सनत पे भूमि दी थी हर्षवर्धन ने। गौरादेवी को वृक्ष मित्र सम्मान मिला था 1972, 1986, 1972, ये 1972 दो बार आएगी, 1987। गौरादेवी को वृक्ष मित्र सम्मान मिला था 1986, इसे कर दो 1982। 1987 में क्या हुआ था? जो गौरादेवी ने आंदोलन चलाया था चिपको आंदोलन, इसको मिला था लिवली हुड अवार्ड, लाइव लिवली हुड अवार्ड मिला था इसको। 1972 में क्या हुआ था? 1982 में हुआ था आपका क्या? रेमन मैक्सेस अवार्ड मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को, जो किससे जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन से। रेमन मैक्सेस अवार्ड 1982, चंडी प्रसाद भट्ट। और 1986 में क्या मिला? गौरा देवी को वृक्ष मित्र सम्मान।
1972 में क्या हुआ? 1972 में ये महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनाई थी, क्यों थी? अगला है कृषि मूल्य आयोग का मूल्य आयोग की स्थापना की गई भारत। कृषि मूल्य आयोग जो कृषि के क्या खाद्यान्न होता है उनका मूल्यों का क्या करता है, निर्धारित करता है। कृषि मूल्य आयोग 1985 से 1950 1991 1965 कृषि मूल्य आयोग, ये 1965 में। कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है? यमुना, बागरथी, मालनी और टोंस। कर्णाश्रम वही आश्रम है जो शकुंतला वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या भारत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक। किस नदी पे? मालिनी नदी पे। गढ़वाल का जौनक आर्क कहा जाता है? महारानी कर्णावती, तीलू रौतेली, गौरा देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ये कहा जाता है तीलू रौतेली। अंतिम क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, 100th क्वेश्चन। 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, उत्तराखंड के वन वाली प्लेलिस्ट में आप देखना, उसमें एक वीडियो होगा उत्तराखंड से वन से रिलेटेड, उसमें ये बनाया गया था किसको, परसी विंगडम को, पी विंगडम को, ठीक है। तो दोस्तों आप कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं। ऐसे ही हम आगे हम यूके ट्रिपल एस सी के मॉडल पेपर इस पर आते रहेंगे, आप बने रहें अपग्रेड एजुकेशन के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस मॉडल पेपर को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना है, ऑफलाइन हम बैच चलते हैं हमारे श्रीनगर गढ़वाल में आमनगुंज में, तो वहाँ पे आप इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारा क्या होगा, एक कमेंट पिन होगा जिसमें ऑफलाइन बैचेस की डिटेल होंगी। आप हमसे कॉल से, ईमेल से, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और हमारे चैनल के जो अबाउट वाला सेक्शन है वहाँ पे भी वो डिटेल आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए तब तक अब ब्राइट कोचिंग अकेडमी के साथ। थैंक यू।